मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.3। तो 9.3 में अब दोबारा से जो क्वेश्चन रहते हैं वो बाइनोमियल क्वेश्चन होंगे और ट्राइनोमियल। अब हमें मल्टीप्लाई बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्वेश्चंस को करना है। तो हमारे पास जो बाइनोमियल क्वेश्चन रहते हैं, वैसे मैं फर्स्ट लाइन राइट कर रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो 4p q + r। तो ध्यान रखेंगे, हमने राइट किया 4p, ब्रैकेट लगाई, क्योंकि जब भी हम मोनो से बाइनोमियल में जाते हैं तो बाइनोमियल में ब्रैकेट पकड़वाते हैं r। तो ये जो 4p है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा की पूरा एक बार इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो आ जाएगा 4p q + 4p r। हमारे पास आंसर आया 4p q + 4pr। अब इसी ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, तो मैं इसी साइड राइट कर रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट रहता है, सेकंड पार्ट है a माइनस बी। तो जो पार्ट कहा अब मुझे मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी। चलो ए बी देखते हैं एक ही बार, तो आप इससे मल्टीप्लाई इसको एक बार, फिर एक बार इसको, तो आ जाएगा a मल्टीप्लाई ab माइनस ab मल्टीप्लाई b, तो आ जाएगा a² b और ab²। हम किसी भी टाइप में राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई को, आंसर वैसे ही आएंगे। हमारे पास का थर्ड पार्ट रहता है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में अब a + b and (7a²) b² याद है। तो अब हम लिखेंगे a + b (7a²) b². मैंने पहले ही ये पार्ट करवा दिया, अब a × (7a²) b² + and (b × (7a²) b² तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो सेम जो टर्म्स रहेंगे उन टर्म्स को हम राइट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7a³b² + 7a²b³। हमारा आंसर आ चुका है। अब जो नेक्स्ट के दो पार्ट्स रहते हैं वो हम करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका, तो नेक्स्ट पार्ट है वो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में a²-9 4, तो सिंपली आ जाएगा a²-9 4a, तो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4a³-36a। आंसर हमारे पास आ गया। अब मेरे पास इसका लास्ट जो पार्ट रहेगा